सर की वीडियो कॉल हो गई। अब आ रही है? यस, ये हाँ जी, हाँ जी, आ गए सर। राहु केतु के साथ, राहु केतु को भी गिन लेते हैं। राहु केतु के साथ आपकी पुत्री में जो भी प्लैनेट जोड़ रहे हैं, आपको देखने में लगेगा बहुत अच्छे, मान लो है ना, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। चेक करना है ना, हर प्लैनेट के रिश्तेदार अब आपको पता लग गए। देखो टेस्टर्स, मैं हमेशा कहता हूँ याद रखो, जो टेस्टर्स में पकड़ाता हूँ याद रखो, ये टेस्टर्स बहुत काम देंगे आपको, क्योंकि पुत्री वेरीफाई वहीं से हुई। और मैं क्विक टेस्टर्स दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड में आपको चेकिंग आ जाएगी कि ये प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट। राहु केतु के साथ जो भी प्लैनेट कनेक्ट है, वो पुत्री में कितने ही अच्छे बैठे हो, आपके लिए वो बुरे, उनका रिजल्ट आपको अच्छा। सर फिर चार में से दो ट्राइन तो ऐसे ही खराब हो गए। सर वो तो होते ही है, तभी तो भुगत रहे जिंदगी में आके, ऐसे तो नहीं भुगत रहे। आपकी पुत्री में देखो, आपकी पुत्री में 12 में से ना 11.5 घर और 11.5 राशियां खराब होती हैं। आधी राशि या कहीं कोई एक हिस्सा होता है जो आपको जीवन दे देता है। ये नहीं होता तो आप इस भुगतने के लिए आते क्यों? आप आए किस लिए हो? अपने कर्मों का भुगतान करने के बिल्कुल लिए आए ना, तो अच्छा होता तो आते थोड़ी, फिर तो बिल्कुल वही बैठते अपना विष्णु जी के साथ कुर्सी डाल के आराम से। लक्ष्मी जी कहते हैं लाओ मैं तुम्हारे साथ अपना स्टूल डाल देती हूँ, तुम भी बैठो उस पर, तुम क्या करोगे नीचे धरती पे जाते मेरे साथ बैठा है ना, मैं विष्णु जी के किए नहीं पैर दबा सर, रही हूँ, तुम, ऐसे मैं लेफ्ट वाला पैर दबाती हूँ, तुम राइट वाला पैर दबा, किए नहीं ना सर कर्म। अरे हमने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए धरती पे है, समझो इस चीज को, हमने बहुत पाप राइट किए। राइट जिस दिन कुंडली का सच पता लग जाएगा ना, और सर आपने जो ये 36 36 वाला चक्कर बताया, ये तो चिंता में डाल दिया, इतना लंबा चिंता चक्कर। चिंता करने से कुछ होगा क्या? चिंता करने से कुछ होगा? एक राशि के बारह जन्म हजार बहुत लंबा हो गया। साल ऑलमोस्ट, अभी तो वायु में घूम रहे हैं सर। जब अग्नि से वायु तक आ गए तो जल तक भी पहुंच ही जाओगे। पर फिर जल में क्या गारंटी है? सब गारंटी किसी चीज बुरी की थोड़ी नहीं ना है, है। 10 मिनट बाद की गारंटी नहीं, 5 मिनट बाद की गारंटी, गारंटी का ही की, गारंटी जैसा कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। गारंटी इस गारंटी घड़ी सर टीवी फ्रिज ज्यादा की हो सकती है, हमारी नहीं, का ही की अब गारंटी। हाँ उधर जाना भी जी, चाहो तो जो बैगेज है वो जाने नहीं देता ना। इसीलिए देखो ज्योतिष आपको अगर सही मायने में आता है तो आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता लगती है कि ये मेरे में कमियां हैं, एग्जैक्टली ठीक है, और आपको उन्हीं कमियों को ठीक करना है, इसीलिए तो आए हो ना भाई। इसको आप ऐसे समझो कि भगवान आपको एक क्वेश्चन पेपर देता है, तो बेटा ये पेपर है तेरा, इसको सॉल्व कर, आप उसमें हो जाते फेल, फिर वो कहता है चल नेक्स्ट लाइफ, ये नेक्स्ट पेपर, इसको सॉल्व करता हूँ, आप फिर फेल हो जाते। फिर आपके पास अगले जन्म में एक क्वेश्चन पेपर आता है, आप फिर फेल हो जाते हो। तो ये हर बार आपको एक क्वेश्चन पेपर देता है, सोचो वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना हम्बल है आपके लिए, कि वो आपको इतने मौके देता है। आप देते हो किसी को इतने मौके? पर क्वेश्चन पेपर बड़ा मुश्किल देते हैं सर। वो आप ही का बनाया हुआ है। जिस दिन मैं अच्छा आपको आपकी पुत्री के बारे में, आपके एक एक कोर्स है जिसमें हम कर्सेस देखते हैं कि हम, हमारे ऊपर कौन कौन से कर्सेस हैं, वो कोर्स हर एक के बस का नहीं करना, सर, क्योंकि अपने बारे में तो कोई बुरा सुनना ही नहीं चाहता है ना, नो बडी बिल्कुल वॉन्ट्स। मैं कह दूं कि आपकी पुत्री श्रापित है, तो सबसे पहले आप मुझे ब्लैकलिस्ट करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे सच है ये? सर और जिस दिन मैं ये बता दूं आपको ये श्राप मिला है, उस दिन के बाद तो आप मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे, और मुड़े भी तो ये बात नहीं पूछोगे कि किसका कर्ज।
और अगर पता लग गया, लगने के बाद आपको मैं कहूँ ठीक करो इसको, तो आप कहोगे ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेमेडी वो जो कभी ना हो। असल रेमेडी जिस दिन बता दूंगा ना, आपसे होगी नहीं, किसी से नहीं हो। बतानी तो पड़ेगी सर लास्ट तक। नहीं उस मैं तो शुरू कर दूंगा अगली क्लास से ही। मैं आप लोगों को रेमेडी नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को रेमेडी डिजाइन कैसे की जाती है वो सिखाऊंगा, सो दैट कल को कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप अपने आप कोई रेमेडी क्रिएट कर सको, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन लिख के दे देता हूं गारंटी के साथ, अगर आपको किसी रेमेडी की जरूरत पड़ी और उसमें से आपने रेमेडी डिजाइन कर ली, तो आप रेमेडी डिजाइन को जितनी मर्जी कर लो कर नहीं पाओ। और मेरी रेमेडी बहुत सिंपल है, सिंपल से सिंपल। मैंने एक दिखा नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजिस्ट में उनका नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे फोन किया, अच्छे रिलेशन है मेरे बहुत, इसीलिए पर्सनल है तो मैं फोन नहीं सकता। आप उनका नाम सुनोगे तो आप हिल जाओ, कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर इंडिया का। उन्होंने कहा यार कैसे ठीक करूं अपना जीवन, बहुत तकलीफ है, लाइफ बिकम्स अ कर्स, उनकी जिंदगी वाकई कर्स। तो मैंने उनको एक उपाय बताया छोटा सा, मैंने कहा सर सर ही बोलता हूँ, मैंने कहा सर पैरों में हल्दी लगाना शुरू कर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं पैरों में हल्दी लगाओ, इसके लिए आपको कितनी देर लगेगी सच से बता रहा। घर में किचन में हल्दी होती है, इंडियन घरों में हर घर में होती है, ठीक है, एक कटोरी में एक आधा चम्मच हल्दी को, एक घूंट पानी को, लेप बना लो उसको, पैरों में लगा, है ना। मैंने उनको रेमेडी दी और मैंने कहा सर दे रहा हूं आप करोगे नहीं। नहीं, आई विल डू। मैंने नहीं सर आप नहीं करोगे। नहीं, आई विल डू इट ऑन थर्सडे। अब भाई जब मैं कह रहा हूं आज लगा लो तो तुम थर्सडे का इंतजार क्यों कर रहे, क्योंकि तुमसे होनी ही नहीं, तुमने कर दी नहीं। थर्सडे आ गया, मैंने फ्राइडे को फिर मैसेज किया, मैं कहा सर हल्दी लगाई और नहीं है। 15 दिन बाद मैंने फिर मैसेज डाला, मैंने सर किया, अरे यार हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस याद करता हूँ बीवी को आवाज देता हूँ बुद्ध। नहीं हुई तो नहीं हुई तो नहीं हुई, नाम ले लूंगा ना तो आपको भी, इतना बड़ा आदमी आपसे उपाय पूछ। ही आस्क्ड मी टू प्रिडिक्ट फॉर हिम, व्हाट्सएप पे मैसेज अभी देखा सी। सर ज्योतिषी बड़े छोटे होने से उनकी लाइफ में समस्या नहीं है, ये तो कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल। नहीं, आप दुनिया को उपाय बताते हो, अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हो? यस ठीक होना ना होना आपके हाथ में नहीं, अप्लाई तो करो। अप्लाई नहीं होता क्यों नहीं होता? क्योंकि एक नियम समझ लीजिए, अगर तो रेमेडी सच्ची है, सच्ची मतलब रियली वो रेमेडी है एप्लीकेबल, तो आप नहीं करता हो। और मैं आपको गलत रेमेडी दे दूं, वो आप 3 मिनट में कर, क्यों? प्रकृति ने या ग्रहों ने ये तय किया है कि इस आदमी को हमने इस जन्म में ये वाली तकलीफ दे, ठीक है। आपको गलती से कोई ज्ञानी बाबा मिल गया जिसने कहा बेटा ये कर लो, आप सुनोगे नहीं? क्यों नहीं सुनोगे? ग्रह सुनने नहीं देगा, श्योर है है ना, वो करने नहीं देगा। और जैसे ही गलत रेमेडी आपको किसी ने दी, आप भाग के करो विद इन आवर्स मुझे। तो अगर आपको कोई रेमेडी दी जा रही है, ये सभी केस में कह रहा हूं, मेरे केस में नहीं कह रहा मैं सभी के, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भी रेमेडी देते हैं, आपको दी किसी ने या आपने दी किसी को, मैं सबके बारे में बोल रहा हूं। अगर आपने किसी को कोई रेमेडी दी और आपका क्लाइंट 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन के बाद कहता है सर मैंने रेमेडी कर ली, तो यू नीड टू चेक आपने कहां गलती कर दी, क्योंकि ये रेमेडी थी नहीं। अगर वो रेमेडी होती तो वो करता नहीं, ये कंफर्म्ड है। फोर्स डिनाई रोकती है ना सर फोर्स। अरे आपको लगता है ये प्लेनेट आपको, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा,
इस धरती पे भगवान आए, भगवान ने भी भुगते अपने कर्म। अभी पिछले दिनों एक बहुत बढ़िया किसी का मैं सुन रहा था, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो रील वील में आते हैं तो कभी कभी दिख जाता है, और मैं अक्सर इस बात को बोलता कि अर्जुन के सामने स्वयं भगवान खड़े वॉर में, है ना, महाभारत में प्रभु सामने खुद पर, हम और आप किस गिनती में है, हमें क्या आता है जो भगवान कृष्ण को आता है ना। अर्जुन खुद भगवान के सामने खड़े हैं, साक्षात भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन ने ये नहीं पूछा प्रभु कोई रेमेडी दे दो, दाल चावल चीनी इधर उधर पेड़ पे चढ़ा दो तो ये युद्ध रुक जाए, यह मुझे अपना वो राज पाना है, ये 5 गांव मारे मांगे ये दे नहीं रहे, तो यार कोई दाल चावल चीनी की रेमेडी बता दो, कहीं दान वान दे दू, कहीं कुछ कर दू, तो मेरे को ये 5 राज मिल जाए। अरे जिसका सारथी भगवान खुद है उसने रेमेडी ना मांगी ना दी, लेकिन हम और आप इसी गेम में पागल हुए पड़े, जिसको बात करो रेमेडी दे दो सर। अब लोगों ने क्या किया, रेमेडी का कोर्स कराना शुरू कर दिया, बोले यार पढ़ना तो तुमने है नहीं, तुमने तो रेमेडी करनी है, तो 51 रेमेडीज स्पेशल कोर्स, अरे हंड्रेड रोकना एवं भाई, रेमेडीज स्पेशल कोर्स, ये होने लग गए। क्यों, मार्केट है, भयंकर जो मांगोगे वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, भयंकर लेवल पे बिजनेस हो रहा है सर। है ना। हम लोग वहां पे पिट जाते हैं, ठीक है, हमारे पास, अब मेरे पास कोई है, मैं कहूंगा क्या देखो रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं होती भैया, कर्म है भुगतने पड़ेंगे, तो अगली बार कोई आएगा नहीं, ठीक है। अब मैं उसको ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो 7 दिए लेना, शनिवार को लेना, इस नक्षत्र में ले लो, ठीक है, और फलाने नक्षत्र में सरसों के तेल की बोतल खरीदना, और ये 7 दिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके जला देना, फलाने दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच में, और पेड़ पे 7 चक्कर धागा लपेट लेना पेड़ पे, और 7 चक्कर काट, ठीक है, और 7 चक्कर मारते मारते अपनी दुआ प्रार्थना रिक्वायरमेंट कंप्लेंट ईश्वर से जो करनी है वो करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। लोग कहेंगे यार क्या रेमेडी, इजी कहते हैं रेमेडी, आप ही को दूंगा ना, आप भी ऐसे ही बोलो कि सर ने बताई, कोई अरे बात, क्यों आप मेरे पास आए इसलिए हो ना, ये क्योंकि मेरे पे सज्जन विश्वास करते हो, मैं उस विश्वास का फायदा उठाऊंगा ना, और मुझे सज्जन चाहिए कि रुको आप मेरी रुको, वाह-वाह करो, तो मैं ऐसी रेमेडी डिजाइन करूं। सर कुछ लोग ही हैं जो इधर ये सब फॉलो कर सकते हैं, बाकी एक खराब करने के लिए एक मछली बहुत होती, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं रेमेडी तो देता हूं, उसका कोर्स 1 लाख रुपए का है, रेमेडी 2 रुपए की है, अब 1 लाख रुपए लोग कोर्स का नहीं देते, लेकिन 2 लाख का पत्थर जाके खरीद लेंगे। जो लोगों को चाहिए वो बेचा जा रहा है, सिंपल सी बात ही, लोगों को रेमेडी नहीं चाहिए, लोगों को रिलीफ नहीं चाहिए, उनको एक अपनी झक है वो पूरी करनी, किसी ने बताया कि नंबर बदलने से, न्यूमरोलॉजी से, नाम बदलने से किसी का भला हो जाता, अच्छा तो कोई नाम में अपने ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है। तो सर कोई एस्ट्रो वास्तु में मेज कुर्सी सरकार के काम, बल्कि ये हमारा कोई तो वास्तु में जो मंदिर अपने उपाय ढूंढ रहे, तो मेज है सर, कुर्सियों के, पर्दों के, कपड़े के रंग बदलते जो घूम रहा है, रेड थिंग जहां पे जिसको खरीदने जहां पे कंफर्ट जुट जाए में वो वहां पे शुरू हो रेड। जाता। सर आजकल इसमें शॉर्ट्स में बहुत आते हैं। नया हम नाम नहीं लेते किसी का, ओके सर, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लेते। सनी 4,000 में डालू प्लगइन, सनी 4,000 में अल्कोहल भी लाते हैं कौन बुलाता भाई? नाम देने से, आपने मना किया है ना 4,000, अच्छा वैसे कोई एस्ट्रोलॉजर पिलाते, मैं कहा मैं तो नहीं पिलाता यार, मैंने बहुत तो कभी नहीं फेमस पिलाया है, है। कोर्सेज चलते हैं 1-1 लाख रुपए के उनके। हाँ सर, लाल किताब जिसको में चक्कर बताते हैं कि यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट है तो